नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, हमें शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करना है। इसके साथ साथ हमें अपनी शिक्षक डायरी भी मेंटेन करनी होगी। साथियों, शासन का निर्देश है कि प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण योजना बनानी होगी। और अगर मैं कहूँ कि एक शिक्षक, मान लीजिए अगर सिक्स सेवन्थ एट्थ के यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाता है और वो एक क्लास में कम से कम 2 घंटे लेता है, तो 3 क्लास में 6 घंटे हुए, यानी कि उसको 6 शिक्षण योजना बनानी होगी, जो काफ़ी मुश्किल काम है। 6 शिक्षण योजना बनाने का मतलब है कम से कम 6 घंटे उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर वो 6 घंटे शिक्षण योजना में मेहनत करेगा तो वो पढ़ाएगा क्या? लेकिन शासन के निर्देश है, हमें इनका अनुपालन करना होगा, किसी तरह भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा, शिक्षण योजना बनानी होगी। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर शिक्षण योजना बनाएं, एक शिक्षक शिक्षण योजना बनाएं और उस शिक्षण योजना का कम से कम 100 शिक्षक फायदा उठाएं। अगर आपके पास एक बेहतर शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, जिससे कि बाकी शिक्षक साथियों को भी इसका फायदा हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की कलरव की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे। ये शिक्षण योजना सहारनपुर की एक होनहार शिक्षिका अभिलाषा शर्मा जी ने बनाई है, उसी को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। इस शिक्षण योजना को बनाने के लिए अभिलाषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसे मैं सभी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। साथियों, शिक्षण योजना शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, शिक्षण योजना से संबंधित वीडियो, सारी आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। उस WhatsApp ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, कक्षा 4 कलरव में प्रकरण है हे जग के स्वामी। हमारे पाठ का नाम जो है हे जग के स्वामी है। सबसे पहले शिक्षण योजना में 4 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, विषय, कक्षा, समय। दिनांक आप छोड़ देंगे, विषय में आप कलरव लिख देंगे, कक्षा 4, और समय 35 से 40 मिनट हमारे लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है प्रकरण, प्रकरण होगा हे जग के स्वामी। लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम में हमारे लर्निंग आउटकम में घटनाओं, अनुभवों, कविताओं, कहानियों को सुनाते हैं। बच्चे जो हैं घटनाओं को, अनुभवों को, कविताओं को, कहानियों को सुनाते हैं। दूसरा लर्निंग आउटकम होगा, दूसरे द्वारा कही जा रही बात को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तथा मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। और तीसरा हमारा लर्निंग आउटकम होगा, कविता आदि को उपयुक्त उतार चढ़ाव, गति प्रवाह के साथ सुनाते व पढ़ते हैं। तो ये 3 लर्निंग आउटकम्स इस शिक्षण योजना से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉलम है आपका सीखने सिखाने की सामग्री, टीचिंग लर्निंग ऐड आपके क्या क्या होंगे, प्राकृतिक वातावरण एवं दीक्षा इस ऐप पर उपलब्ध सामग्री, यानी प्राकृतिक वातावरण का आप यूज करेंगे, उसके साथ साथ दीक्षा ऐप का भी यूज करेंगे, उस पर जो उपलब्ध सामग्री है उसका आप यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है सीखने सिखाने की गतिविधियाँ, इसके आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा चरण, दूसरा समय, पहला क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन का तरीका। तो चरण आपके 3 होंगे, शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के बीच में और शिक्षण के अंत में। तो शिक्षण के आरंभ में पहला चरण है, तो इसमें क्या करेंगे, जो शिक्षिका है या शिक्षक है, छात्रों से उनके आसपास मौजूद प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में चर्चा करती है। इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगे। और अवलोकन का तरीके में क्या होगा, अवलोकन व प्रतिक्रिया, बच्चे अवलोकन करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। तो आपका पहला चरण होता है शिक्षण के आरंभ में, उसके बाद दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है शिक्षण के दौरान, इसमें आपकी 20 मिनट लगेंगे। शिक्षिका दीक्षा ऐप पर छात्रों को वीडियो दिखाती है, यानी दीक्षा ऐप चला देंगे आप अपने फोन में या कहीं भी, अगर आपके यहाँ प्रोजेक्टर लगा है तो उसमें, तथा कविता का स्वैसर वाचन करती है तथा अपने शब्दों में कविता का अर्थ भी बताती है, यानी शिक्षिका जो है कविता का सहस्वर वाचन करेगी।
जो हमारी कविता है और उसके बाद जो है अपने शब्दों में कविता का अर्थ भी बताएंगी। इसमें 20 मिनट लगेंगी। अवलोकन व प्रतिक्रिया जो आपका ये आएगा, इसका जो आपका आता है आकलन का तरीका, तो इसमें अवलोकन करेंगे बच्चे और प्रतिक्रिया देंगे। उसके बाद तीसरा आता है शिक्षण के बाद। शिक्षिका शिक्षक शिक्षण के बाद छात्रों से निम्न प्रश्न पूछती है, कुछ प्रश्न पूछेगी, इसमें 5 मिनट लगेंगी। इसका भी ये क्या होगा, अवलोकन व प्रतिक्रिया। सबसे पहला, तीन तीन तुकान शब्द लिखिए। शिक्षिका कहेगी तीन तीन तुकान शब्द लिखिए, लाल, तेरा, चमक। इनके तीन तीन तुकान, लाल के जैसे शब्द, तुकान का मतलब जो उनके जैसे हो, लाल जैसे गाल, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह तेरा, मेरा। उसके बाद नंबर 4 आती है गतिविधियां। सभी छात्रों को गोले में बैठाकर शिक्षिका कविता का उचित हावभाव के साथ सहस्वर वाचन करती है। इसमें 5 मिनट लगेंगी और अवलोकन का तरीका वही होगा, अवलोकन व प्रतिक्रिया। तो इस तरह से ये आपके चरण पूरे हुए। नेक्स्ट कॉलम आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य में प्रातःकाल चुपचाप थोड़ी देर बाग बगीचे खेत खलिहान में खड़े होकर आसपास के दृश्य को देखिए, ध्वनियों को सुनिए और अनुभवों को अपनी कापी में लिखिए। शिक्षिका कहती है कि आपको अपने अनुभव अपनी कापी में लिखकर लाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना का चयनित गतिविधियों का कुशलता से क्रियान्वयन किया जाएगा। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी शिक्षण योजना बनाई जाएगी। इस तरह से आप इस एक शिक्षण योजना हिंदी की इस तरह से बना सकते हैं। काफ़ी छोटी शिक्षण योजना है जो अभिलाषा शर्मा जी ने बनाई है, ये सहारनपुर जिले से हैं। काफ़ी छोटी शिक्षण योजना है, अगर आपको 6 बनानी है तो छोटी ही बनाने में फ़ायदा है। वैसे तो एक से एक अच्छे टीचर्स ने एक से एक अच्छी शिक्षण योजना बनाई हुई है, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आई है शिक्षण योजना, काफ़ी छोटी है। तो ऐसी छोटी छोटी शिक्षण योजना अगर आप 6 बना लेंगे तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं आपको सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप का आपका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।